क्या इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी झटका दे रहे हैं? क्या राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन की रैलियों में शामिल नहीं होंगे? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की पहले रांची रैली में न जाने की बात उठी और वो रांची रैली में वाकई में नहीं पहुंचे। वहीं एमपी की सतना रैली में भी राहुल गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। एक ही दिन में एक के बाद एक करके राहुल गांधी का दो दो रैलियों में जाने से इनकार करना बड़े सवाल खड़े कर गया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी रैलियों और अपनी यात्राओं के जरिए एक्टिव नजर आ रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में उन्होंने दो रैलियों में जाने से इनकार कर दिया? एमपी की सतना रैली में जब राहुल गांधी मंच पर नहीं दिखे तो सवालों से भरी जनता की आंखें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घूरने लगी। तब इस सच्चाई पर से पर्दा उठाया गया कि आखिर राहुल गांधी ने रैलियों में जाने से इनकार क्यों कर दिया और वो रांची और सतना भी क्यों नहीं पहुंचे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बताया। साथियों, मैं पहले माफी चाहता हूं कि राहुल जी नहीं आ सके, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पेट में फूड पॉइजनिंग के वजह से, नहीं तो वो आने वाले थे। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि किसी हालत में मुझे यहाँ पर सतना जाना है। अब उसकी कमी अगर कोई कर सकता, भर्ती कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए और मेरे तरफ से उन सब लोगों को अपना एक संदेश दीजिए जो वो कहना चाहते थे कि हम कुछ आपको अपना भी बताएं। खड़गे की तरफ से सतना की जनता के सामने जब सच आया तब जाकर इस विवाद पर विराम लग गया। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से रैलियों में नहीं जाना, खासकर इंडिया गठबंधन की रैली में नहीं जाना, सवाल तो खड़े कर ही रहा था, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से कुछ भी गड़बड़ होती है और वो भी चुनाव शुरू हो जाने के बाद, तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा नजर आएगा। हालांकि अब सभी कयासों और विवादों पर पूरी तरह से लगाम लग गया है। अब ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी अपनी हेल्थ की वजह से रैलियों में नहीं पहुंचे हैं। वो एक बार फिर से रैलियों में पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद वो एक बार फिर से रैलियों में दिखेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।